वेलकम बैक टू माय गार्डन। आज के वीडियो में हम इंग्लिश से रिगार्डिंग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश को आगे किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और एक तरीके से ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी जो आज से स्टार्ट हम कर रहे हैं। ये फर्स्ट होगी वीडियो इस सेशन के लिए। अगर आप लोगों का साथ रहा और रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो आगे भी वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज अपना साइकोलॉजी का पार्ट तो चल ही रहा है ना। तो चलिए कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और बेसिक से लेकर के हम एडवांस तरफ जाने की कोशिश करेंगे हर एक चीज़ में। और आज की एक बार फिर से बता देता हूँ, एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी और थोड़ा सा आपको फ्लैश बैक ले जाएंगे जिन चीज़ों को हमने सीख रखा है, ताकि आगे जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो लैंग्वेज और लैंग्वेज के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, हर एक लैंग्वेज की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और वो जो यूनिट होती है उसको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स है, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में टोटल 26 है। जो साउंड्स हैं टोटल 26 हैं, और इनको हम मेनली दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ये दो मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक हम जानते हैं, एक है वोवेल्स और दूसरा सेकेंड वाला है कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स वोवेल्स के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये टोटल 5 होते हैं, ए होता है, ई, आई, ओ एंड यू, ये टोटल 5 होते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर कंसोनेंट्स। 26 में से 5 यहाँ पर है तो बचे 21, और ये 21 जो है ये क्या है, कंसोनेंट्स। तो ये कंसोनेंट्स कौन कौन से, जैसे ए यहाँ पर है तो बेसिकली कंसोनेंट में सेकंड कौन सा होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा क्योंकि ई वोवेल है ना। फिर एफ जी एच इस तरीके से एक टी भी होगा, इसमें एक्स भी आएगा है ना, इसी तरीके से जेड तलक आ जाएगा, जेड तलक आ जाएंगे। तो ये जो है दो तरीके से हम मेनली उनको कैटेगराइज करते हैं अल्फाबेट्स को। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अल्फाबेट्स हैं वोवेल्स को, तो वोवेल्स अपने आप में एक इनकी जो है स्वतंत्र उच्चारण होती है, यानी कि एक अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है इसलिए किसी और के ऊपर ये डिपेंड नहीं होते हैं, एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि ये जो कंसोनेंट्स होते हैं इनके साथ ऐसा नहीं होता, ये अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए या अपने उच्चारण के लिए जो है ये वोवेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं है ना। तो ये जो बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक लेटर उठा लेता हूँ ए, और यहाँ से कंसोनेंट में ऑब्वियसली एन भी होगा, तो सेकंड हम ले लेते हैं एन, तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एन, क्या पढ़ जाएगा, एन। और एन का मीनिंग हम सभी जानते हैं, इसका मीनिंग होता है एक, एन एप्पल, एन आंट है ना, तो एक। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम ओ उठा लें और वहाँ से एक्स ले लें, तो दोनों को ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, ऑक्स, और ऑक्स का मतलब हम सभी जानते हैं होता है बैल। तो ये क्या कह रहे थे, इस तरह से और भी बहुत सारे बना सकते हैं सौर है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम वर्ड्स बोलते हैं, इनको वर्ड्स बोलते हैं। तो यहीं पर दूसरी बात हमें समझनी है, सेकंड क्या है कि जो वर्ड्स में अगर आप देखोगे तो एक से ज़्यादा क्या है, लेटर्स हैं, एक से ज़्यादा लेटर्स हैं, अल्फा या अल्फ़ाबेट्स हैं है ना। और ये जो अल्फ़ाबेट्स है इनका जो ग्रुप है वो एक मीनिंग दे रहा है, एक सेंस दे रहा है ना, एक बैल, ये क्या है, एक मीनिंग, एक सेंस है। जब हम बोलते हैं एन तो समझ आ जाती है बात कि इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, ऑक्स मतलब बैल होता है, मीनिंग समझ आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम सपोज यहाँ से यू ले लेते हैं, यू को कंसीडर करते हैं, और यहाँ से हम बी को कंसीडर करते हैं, तो क्या बनेगा, उ, और ये कोई मीनिंग होता है क्या, मीनिंग देता है, तो ये नहीं देता है, वर्ड होगा नहीं होगा। इसी तरीके से आप यहाँ से ई ले लो और यहाँ से डी ले लो, क्या बनेगा, एड या इड, इसका मीनिंग होता है क्या, कुछ
मीनिंग होता है, नहीं होता, तो ये वर्ड होगा नहीं होगा, तो इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। तो आई होप कि आपको वर्ड के बारे में बात समझ आ गई होगी। अब वर्ड्स के बारे में जब बात समझ आ गई तो आगे हम नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे की ओर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, मैन, गुड, आर एंड यू, ये सारे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। इनको पढ़िए, पढ़ करके क्या आपको कोई बात समझ आ रही है, एक तरह से कोई सिंगल मीनिंग समझ आ रही है क्या? सिंगल मीनिंग मतलब अलग अलग, आप ये नहीं कहेंगे कि मैन का मीनिंग होता है वर्ड्स, गुड का मतलब होता है आर यू, तो यहाँ से मतलब समझ आ रहा है। कहने का मतलब है इस पूरे से आपको कोई इस तरह की बात समझ आती है कि कोई बात बात समझ रहे ना, कि आप आपको जो है तो आपको कुछ आइडिया इससे नहीं लग पा रहा है कि एक्चुअली इसमें क्या आइडिया है, क्या कन्वे क्या कर रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन यही उन्हीं वर्ड्स को अगर हम एक तरीके से प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाए, एक ये जो ग्रुप है इनको सही तरीके से अगर हम इनको अरेंज करें, जैसे यू को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, शायद रेड कलर दिख नहीं रहा होगा, तो यू हम पहले लिख देते हैं और उसके बाद हम आर ले लेते हैं और इसी के बाद यहाँ पर एक आ भी रख दीजिए, यू आर अ गुड मैन। तो आप क्या इससे कोई बात समझ आ रही है, कोई सेंस से समझ आ रही है क्या आपको? यू आर अ गुड मैन ऑब्वियसली बात समझ आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं सेंटेंस। ये क्या है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो सेंटेंस है वो क्या होंगे, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि एक मीनिंग, क्लियर मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है ना। तो क्लियर मीनिंग एक्सप्रेस करता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो आई होप कि सेंटेंस आपको समझ आ गई होगी। सेंटेंस के बाद हम इसके काइंड्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम काइंड्स के बारे में बात करें, काइंड्स के बारे में बात करें, तो हम जानते हैं कि इसके मैन मैन जो काइंड्स होते हैं, एक होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और इसी सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कैसे सेंटेंसेस होते हैं, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट होते हैं, एकदम सिंपल फॉर्म में बातें कही जाती हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। इसी में सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और ये नेगेटिव सेंटेंस भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें नहीं होता है, मीन्स नहीं लिखा होता है, नेगेटिव सेंस आ रही होती है या नेगेटिव बातें हमें पता चल रही होती है, तो वो ये नेगेटिव होता है। इसी में थर्ड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, और इसको पहचानना तो सबसे आसान है क्योंकि इस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क हमें दिख जाता है, है ना, जैसे आर यू लिसनिंग, आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो ये मैंने इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप सुन पा रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद इसी में होता है फोर्थ वाला इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें या तो हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस, है ना, सजेशन, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ हम कामना करते हैं, विश करते हैं, तो ये सारे सारी बातें किसमें आ जाती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में, है ना, जैसे बोलते हैं मे यू गॉड, मे यू लीव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। इसके बाद लास्ट जो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सी होती है, जो
एकदम सडन फीलिंग होती है, सडन फीलिंग मीन्स जब अचानक से हमारे, जब हम अचानक कोई साउंड बोलते हैं तो वहाँ पर जो अचानक से जो एकदम जो हमारी बातें होती है और जो सेंटेंस हम बोलते हैं वो कौन सी होती है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है, जैसे हम बोलते हैं ना ओह नो, या फिर हम कहते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच खुशी के मारे, तो वहाँ पर अचानक से जो हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। बाकी अगर आपको इन सभी के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप हमें बता सकते हैं। अभी तो खैर आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते हैं। तो चलिए आई होप कि ये बातें भी आपको समझ आ गई होगी, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि देखिए जो सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स होते हैं सबका कुछ ना कुछ काम होता है ना, सबका अपना कुछ ना कुछ काम होता है। और इंग्लिश में इनके जो काम हैं, इनको इन्हीं के आधार पर ये जो वर्ड्स हैं, इनके काम के आधार पर ये जो वर्ड्स हैं इनको हम एक तरीके से कैटेगराइज करते हैं, और ये जो कैटेगराइज का जो पूरा एक ग्रुप जो बनेगा उसका नाम हम दे देते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम कह देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिहाज से। और वैसे भी हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए अगर हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल ये जो वर्ग है वर्ड्स के, इनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, तो ये टोटल वर्ड्स है, ये जो वर्ग है ये 8 है, ठीक है। ये टोटल 8 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, देन वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सेवेंथ में कंजंक्शन, एंड एट्थ में इंटरजेक्शन। तो ये टोटल 8 हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 क्या है, ये 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से नाउन से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट जो सेशन होगी एक तरीके से वहीं से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, और वो हमारी मैन फर्स्ट क्लास मानी जाएगी। तो वहाँ पर हम बहुत इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे या फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम फेस करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक जरूर देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि चीज़ें समझ आ रही होंगी, और आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस।